एलिप्स एकेडमी मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर मिठनपुरा मुजफ्फरपुर। फंक्शन इन्वॉल्व था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन इन्वॉल्व था, है ना। तो दो तीन फंक्शन सम स्पेशल और बच रहा है स्टूडेंट्स, उसको हम लेके चलते हैं। तो आज जो हमारा थर्ड है वो इस तरह का आपका फंक्शन होगा कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी ए रेज टू एक्स। तो यहाँ से देखना स्टूडेंट्स ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपको केस पता है कि सम स्पेशल फंक्शन का पार्ट्स लेके चल रहे हैं स्टूडेंट्स कि आप ए रेज टू एक्स है ना। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कि जीरो लेस देन, यहाँ से आप लेके चलते हैं ए लेस देन वन, तो ये क्या देता है स्टूडेंट्स अपने पास कितना, तो ये जीरो देता है ना। यानी अपने पास इस तरह से देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ए रेज टू एक्स है, कितना है ए रेज टू एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ से अगर करते हैं कि ए इक्वल टू वन, तो ये वन देता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम ले करके चलते हैं कि ए ग्रेटर देन वन, तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स इन्फिनिटी दे रहा है, क्या दे रहा है इन्फिनिटी, यानी एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इस टाइप का फंक्शन जब रहेगा स्टूडेंट्स तो अपने को चेक करना है, क्या करना है तो चेक करना है कि कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन है ना। कि सम स्पेशल केस में स्टूडेंट्स तो आप सिंपल देखिए कि एक्सपोनेंशियल का केस के लिए आप ये देख रहे हैं है ना, यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो एक केस क्या बन रहा है, जीरो लेस देन इक्वल टू ए और लेस देन ए वन, तो जीरो दे रहा है ना। यहाँ से स्टूडेंट्स वन, तो ए इक्वल टू वन दे रहा है, और जब वन से बड़ा वैल्यू रख रहे हो तो क्या दे रहा है स्टूडेंट्स इन्फिनिटी दे रहा है। यानी ए पे अगर चेक कर रहे हैं, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, ए वन पे जब चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये फंक्शन क्या है नॉट कंटिन्यूअस। ध्यान रख स्टूडेंट्स की फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस नहीं है, है ना। तो और आपको पता होगा स्टूडेंट्स की जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, है ना। इसको नोट कर लेना स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी आज से स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि इस तरह से डिस्कस द कंटिन्यूटी है ना, डिस्कस द कंटिन्यूटी। लिमिट देखिए स्टूडेंट्स कि क्या है, एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू एन माइनस वन अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस वन। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, इस केस में हमको चेक कर लेना है। तो जब चेक कर लेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ से ले लीजिए कि किस पे चेक करते हैं, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है ना, एक्स रेज टू एन माइनस वन अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस वन इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या, कि जब यहाँ से चेक करेंगे आप तो एक्स लेस देन वन, तो क्या दे रहा है स्टूडेंट्स जीरो। एक्स लेस देन वन में क्या, सॉरी एक्स लेस देन वन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो एक्स लेस देन वन ले रहे हैं, तो यहाँ से कितना दे रहा है माइनस वन दे रहा है। यानी एक्स का वैल्यू वन से छोटा तो क्या होगा स्टूडेंट्स लेस देन वन, और स्टूडेंट्स एक्स इक्वल टू वन, तो ये कितना दे रहा है अपने पास, तो देखिए जीरो, और एक्स ग्रेटर देन वन, एक्स ग्रेटर देन वन, एक्स ग्रेटर देन वन ले रहे हैं स्टूडेंट्स है ना। तो एक्स ग्रेटर देन जब वन ले रहे हैं तो क्या मिल रहा है वन। यानी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन, या तो ये भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि दिस इज डिसकंटिन्यूटी, दिस इज डिसकंटिन्यूअस
एट एक्स इक्वल टू वन। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स कि यहाँ से हम किसके एक्स के वैल्यू पे चेक कर रहे हैं, वन से जब छोटा तो क्या माइनस वन। फिर स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए कि ये वैल्यू वन के इक्वल है ना, तो वन के इक्वल वन माइनस, तो देखिए स्टूडेंट जीरो और वन से बड़ा, तो ये कितना दे रहा है, वन दे रहा है। यानी दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। यानी जब आपको एन टेंस टू इन्फिनिटी है और ए रेस टू एन के फॉर्म में जा रहा है स्टूडेंट्स, तो बेस पे चेक करना है, ये जो बेस दिखा रहा है उस पे चेक करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? वेरी गुड। और देख सकते हैं स्टूडेंट्स की लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कॉस रेज टू टू एन एक्स। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कि अपने पास है ना कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कॉस रेज टू टू एन एक्स, तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई है ना क्या स्टूडेंट्स, तो जीरो। आप देखिए कि जब जब कॉस का वैल्यू वन बाई टू तो जीरो, वन बाई टू पे पावर इन्फिनिटी जीरो, रूट थ्री बाई टू पे पावर इन जीरो स्टूडेंट्स है ना, वन बाई रूट टू जीरो, तो इस तरह से दे रहा है स्टूडेंट्स। और एक्स इक्वल टू एन पाई तो ये कितना दे रहा है, वन। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कि इसका मतलब ax greater than n pi और x less than n pi। आपने कंटिन्यूटी का जिक्र किस पे किया है स्टूडेंट्स, तो n pi पे किया है, नॉट इक्वल टू n pi मतलब n pi पे किया है। लिखोगे ना स्टूडेंट्स, तो दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू एन पाई। यानी ए एन पाई पे क्या है स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यूअस नहीं है, है ना। यानी आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, तो ए एन पाई पे कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर है? तो यानी अपने पास इस पे हमने क्या किया, चेक कर लिया स्टूडेंट। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। ठीक, अब यहाँ से देखना स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट हमारा है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड है ना, एफ एक्स इज डिफाइंड डिफरेंटली, क्या स्टूडेंट डिफरेंटली, यानी क्या लेना स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इज डिफाइंड डिफरेंटली फॉर रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, कि एफ एक्स क्या होगा, रेशनल और इरेशनल होगा, है ना। तो यहां से एक इस टाइप के देखना स्टूडेंट्स कि एग्जाम्पल बेसिस आपको जब ज़्यादा समझ में आएगा। मैं एक देता हूँ कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, ले लेते हैं स्टूडेंट्स कि वन है ना, वन इफ एक्स इज रेशनल, जीरो इफ एक्स इज इरेशनल। क्या देखना स्टूडेंट्स कि जब जीरो है तो एफ एक्स क्या है, इरेशनल है ना। यानी आपको ध्यान देना स्टूडेंट्स कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन
affects is defined differently for rational and irrational. जब rational और irrational defined होगा तब क्या होगा स्टूडेंट, तो यहां से ले लेते हैं कि अपने पास फॉर सम है ना x इक्वल टू a, ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहां से देखिए कि लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव करते हैं, क्या चेक करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर सम, यानी इसको आप बोल सकते हो रेशनल या इरेशनल है ना. ये ले लेते हैं x इक्वल टू पे स्टूडेंट्स, तो एफ एक्स यानी स्टूडेंट्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो है ना, एफ ऑफ जीरो माइनस एच क्या दे रहा है स्टूडेंट, जीरो और वन दे रहा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या दिया स्टूडेंट, जीरो और वन. इसी तरह से स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट, तो एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स यानी स्टूडेंट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच जीरो टू वन है ना. तो क्या लिखोगे स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इज ऑक्सीलेट्स द वैल्यू है ना, ऑक्सीलेट एफ एक्स ऑक्सीलेट जीरो वन है ना, ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स ऑक्सीलेट कर रहा है. देयरफोर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है ना, यानी एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस. एफ एक्स क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया है ना. कब हो गया स्टूडेंट्स, देखिए किसी एक नंबर पर्टिकुलर नंबर पे चेक किया आपने रेशनल या इरेशनल है, फॉर सम x इक्वल टू a पे जब चेक किया स्टूडेंट आइदर रेशनल हुआ इरेशनल हुआ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 टू 1 के बीच में, राइट हैंड लिमिट 0 टू 1 में, तो ऐसी कंडीशन में आप बोल सकते हो स्टूडेंट्स कि ऑक्सीलेटिंग डिसकंटिन्यूटी हो रहा है. क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ऑक्सीलेट कर रहा है, वैल्यू जीरो और वन दे रहा है ना, जीरो और क्या दे रहा है स्टूडेंट्स, तो वन दे रहा है, यानी ऐसे केस में जब बोलेंगे स्टूडेंट्स तो फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया. क्या हो गया स्टूडेंट्स डिसकंटिन्यूअस, क्लियर है. यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है स्टूडेंट्स कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर है ना, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स एक्स है और वन माइनस एक्स है, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्स इज रेशनल है ना, इज रेशनल कर दीजिए स्टूडेंट्स है ना, एंड इज इरेशनल डायरेक्ट आई आर इरेशनल, क्या लिख दिया स्टूडेंट्स इरेशनल, तो कौन है ना एक्स, यहां पे भी कौन स्टूडेंट्स एक्स इरेशनल है ना. अब यहां से क्या लिख दिया स्टूडेंट्स कि फंक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस है, तो आप यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में है ना कि फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए, तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स, यानी 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स अपने पास हाफ आया है. यानी देखिए स्टूडेंट्स कि इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा आपको बना दूं कि क्या x और x लेस देन इक्वल टू चलिए हाफ कर देता हूं,
और 1 माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन हाफ कर देता हूँ, है ना। और यहाँ से लिखता स्टूडेंट्स कि चेक द कंटिन्यूटी, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी। तो आप बोलोगे ना स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू हाफ। ये फंक्शन क्या है तो हाफ पे कंटिन्यूअस है, यानी दुनिया का एक ही नंबर दिख रहा है, हाफ रखिएगा तो यहाँ भी हाफ और यहाँ भी रखिएगा तो हाफ आएगा। यानी इस सिचुएशन में बोलोगे स्टूडेंट दुनिया का एक ही नंबर इस सिचुएशन में है जो फंक्शन को कंटिन्यूअस कर सकता है। यानी ऐसे कंडीशन में बोलेंगे स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू हाफ, है ना, एंड एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, है ना, एट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट हाफ। यानी एक्स में रियल नंबर छोड़ करके सारे नंबर पे क्या होगा स्टूडेंट्स, तो डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, तो डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी इस सिचुएशन का भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स तो आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो सम स्पेशल फंक्शन इन्वॉल्व स्पेशल फंक्शन वो हमारा ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। अब जो हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि है ना कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, है ना। स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। देखिएगा स्टूडेंट्स कि मैं आपको नोट में यहां दिखाता हूं, उसके बाद आपको लेके चलेंगे स्टूडेंट्स। एफ एक्स है ना, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए देन एफ ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, है ना, देन है ना कंपोजिट, इसको लिख सकते हो स्टूडेंट्स कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, ये पहला पॉइंट। या दूसरा पॉइंट लिख सकते हो स्टूडेंट्स कि इफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू बी तो देन कंपोजिट, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, कंपोजिट एफ ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू बी। यानी क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ये बी पे डिसकंटिन्यूअस होगा। किस पे होगा स्टूडेंट्स, तो बी पे डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। तो चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको चेक करते हैं कि यहां से देखिए स्टूडेंट्स, है ना, कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू एंड यहां से देखिए स्टूडेंट्स जी एक्स इक्वल टू, चलिए ले लेते हैं वन अपॉन एक्स माइनस वन, देन चेक द कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी एफ एक्स जी एक्स और एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको सिंपल देखना स्टूडेंट्स कि कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन क्या बोले थे,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन बताए थे स्टूडेंट इक्वल टू फेनाइट वैल्यू तब कंटिन्यूअस। यानी अगर स्टूडेंट्स एफ एक्स इन फेनाइट वैल्यू दे देता है, एफ एक्स जिस पॉइंट पे अनडिफाइंड हो जाता है तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? डिसकंटिन्यूअस होता है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी के लिए मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, देन एफ ऑफ कंपोजिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। या से स्टूडेंट्स अगर एफ एक्स बी पे डिसकंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ एफ एक्स भी उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, क्लियर है? है ना? तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स हमारा है कि सबसे पहले लिखते हैं स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू, है ना। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स कि इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू क्या, टू। अब यहां से पूछिए स्टूडेंट्स क्यों, है ना, क्यों स्टूडेंट्स? तो एफ ऑफ टू इक्वल टू अनडिफाइंड आ रहा है ना, जिसको क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, अनडिफाइंड हो रहा है ना, या बोल दीजिए इन्फिनिटी हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड या इन्फिनिटी होता है स्टूडेंट्स उस पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इसी तरह से जी एक्स लिखेंगे स्टूडेंट्स तो वन अपॉन एक्स माइनस वन, है ना, इज डिसकंटिन्यूअस, है ना स्टूडेंट्स, इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन, है ना। क्यों, क्यों स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि जी वन इक्वल टू इन्फिनिटी, और कंटिन्यूटी होने के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, फंक्शन डिफाइंड होता है, फेनाइट वैल्यू देता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमको जो चेक करना है एफ ऑफ जी एक्स, तो देखिए स्टूडेंट्स जी एक्स प्लस वन अपॉन जी एक्स माइनस टू, यानी यहाँ से स्टूडेंट्स वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन स्टूडेंट्स वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस टू एट एक्स इक्वल टू वन रखिए स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म देगा। क्या देगा स्टूडेंट्स? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म दे रहा है ना। तो यहां से लिखोगे ना स्टूडेंट्स कि एफ ऑफ जी एक्स इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन पे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो इन्फिनिटी प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी माइनस टू, यानी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वो डिफाइंड नहीं है, फेनाइट वैल्यू नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। यानी जब इसको चेक करेंगे स्टूडेंट्स तो वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन वन माइनस टू एक्स प्लस टू, यानी यहाँ से स्टूडेंट्स एक्स अपॉन, है ना, थ्री माइनस टू एक्स। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स कि एफ ऑफ जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, है ना, एट एक्स इक्वल टू वन और थ्री बाई टू। यानी क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो ये फंक्शन दो पॉइंट्स पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। दो पॉइंट पे क्या स्टूडेंट्स, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। या तो यहां से और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हो स्टूडेंट्स,
कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन एंड जी एक्स इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स वन अपॉन एक्स माइनस टू. देन चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स जी एक्स एंड एफ ऑफ जी एक्स. तो स्टूडेंट्स यहां से आप सोल्व कर लेंगे है ना, और मैं आपको आगे लेकर चलता हूं. तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन. किस पे कंटिन्यूअस नहीं है स्टूडेंट्स, वन पे कंटिन्यूअस नहीं है. और जी एक्स इक्वल टू क्या वन अपॉन एक्स माइनस टू इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू है ना, ये टू पे कंटिन्यूअस नहीं है. यानी अब चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स एफ ऑफ जी एक्स कि मैंने क्या बोला था, जिस पॉइंट पे जी एक्स कंटिन्यूअस होगा डिसकंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पे एफ ऑफ जी एक्स भी डिसकंटिन्यूअस होगा है ना. तो आप देखिए स्टूडेंट्स कि क्या हो जाएगा, जी एक्स प्लस वन अपॉन जी एक्स माइनस वन. तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि कितना वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस वन अपॉन वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन. देखिए स्टूडेंट्स कि क्या लिखोगे, इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू पे. क्यों, क्योंकि रख के देख लीजिए स्टूडेंट वन बाई जीरो प्लस वन अपॉन वन बाई जीरो माइनस वन यानी इनफिनाइट बाई इन्फिनिटी है. तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, टू पे डिसकंटिन्यूटी यानी जिस पॉइंट पे जी एक्स डिसकंटिन्यूअस है उसी पॉइंट पे एफ ऑफ जी एक्स भी डिसकंटिन्यूअस हो रहा. अब यहाँ से देखना है स्टूडेंट्स अपने पॉइंट्स पे, तो ये क्या लिख सकते हैं हम कि यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स है ना. तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स माइनस टू अपॉन वन माइनस एक्स प्लस टू. यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कि वन माइनस है ना एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री यानी क्या स्टूडेंट थ्री माइनस एक्स है ना. तो एफ ऑफ जी एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू एंड थ्री. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्लियर होता है. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया. नेक्स्ट निकालना स्टूडेंट्स फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना. क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, फाइंड द डिसकंटिन्यूटी ऑफ y इक्वल टू वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू एंड क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स टी इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस टू. क्लियर है, यानी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जहां पे ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि वेयर टी इक्वल टू दिस. तो यहां से आप देखिए स्टूडेंट्स
कि क्या निकालेंगे, है ना, कि वाई इक्वल टू वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू, यानी स्टूडेंट्स टी की वैल्यू निकाल लीजिए तो टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस कितना है ना, टी माइनस टू, यानी अपॉन स्टूडेंट्स टी प्लस टू अपॉन टी माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अगर इसकी बात की जाए तो देखिए बाई टी के माइनस टू और वन पे डिसकंटिन्यूअस है, यानी यहाँ से लिखेंगे स्टूडेंट्स कि वेन टी इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस टू इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस टू, है ना, यानी यहाँ से स्टूडेंट्स तो क्या देखते हैं माइनस टू एक्स, है ना, माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स, यहाँ से चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स एक बार और कि कितना हो जाएगा t कॉमन, तो t प्लस टू माइनस कॉमन स्टूडेंट्स, है ना, यहाँ से देख लीजिए स्टूडेंट्स एक बार, बाय मिस्टेक हो सकता है कि कितना, तो t स्क्वायर प्लस t माइनस टू, है ना, तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कि अपने पास 2t माइनस t, तो कितना प्लस t, 2 इंटू वन तो माइनस टू, टी कॉमन टी प्लस टू स्टूडेंट्स और माइनस, एक मिनट स्टूडेंट बाय मिस्टेक, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस टू, अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि प्लस फोर इक्वल टू वन, तो माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, यानी एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू, और यहाँ से स्टूडेंट्स कि टी इक्वल टू वन, तो वन इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस टू, यानी एक्स माइनस टू इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू थ्री, है ना स्टूडेंट्स, यानी अपने पास क्या हो गया थ्री, है ना, तो यहाँ से बोलोगे स्टूडेंट्स कि लेट हमने कर लिया, कि लेट कर लिया, कि लेट जी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस टू। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, और ये क्या है, तो एफ एक्स है, किसकी कंटिन्यूटी चेक करना है, तो एफ ऑफ जी एक्स, तो किस किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स, तो बताइए थ्री बाई टू, टू और थ्री, यानी इस तीन पॉइंट्स पे फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यूअस नहीं है। एक बार फिर से देख लेना कि इस फंक्शन को क्या माने हैं जी एक्स, और ये फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, एफ एक्स है, हम किस फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो कंपोजिट फंक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो कंपोजिट फंक्शन की बात कर रहे हैं, यानी दिस फंक्शन इज नॉट, है ना, यानी दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, यानी फंक्शन क्या है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की जब बात किया स्टूडेंट्स, तो 3 बाई टू, टू और 3 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, यानी स्टूडेंट्स एक बार फिर से कि पहला हमारा है कंटिन्यूटी, है ना, एट अ सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट, है ना, आज जो भी बात करेंगे स्टूडेंट बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से लेकर चलेंगे स्टूडेंट्स, है ना, तो देखिए स्टूडेंट्स कि हमारा एक पॉइंट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, एक ग्राफ बनाते हैं हम, ठीक है, और कुछ इस तरह से लेते हैं स्टूडेंट्स कि ऐसा है,
तो देखिए स्टूडेंट्स कि अपने पास इस पॉइंट पे है ना एक्स इक्वल टू ए है और जस्ट इसके नेबरहुड यानी यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स इसके नेबरहुड तो यहाँ पे क्या है एक्स इक्वल टू ए माइनस एच है और इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो एक्स इक्वल टू क्या है ए प्लस एच है यानी यहाँ से स्टूडेंट्स तीनों कंडीशन में क्या तो एफ ऑफ ए मिल रहा है यानी लिखते ना स्टूडेंट्स कि एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है ना एट एक्स इक्वल टू ए। मान लीजिए स्टूडेंट्स यहां से के दे रहा है और के इज फेनाइट वैल्यू की बात किया है ना कि क्या स्टूडेंट्स तो फेनाइट है यानी इसी को लहल इक्वल टू रहल इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स एफ ऑफ ए टू के। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स सिंगल पॉइंट पे जब आपने चेक किया तो वो क्या हो रहा है कंटिन्यूअस हो रहा है। जैसा कि एक सिंपल सा एग्जांपल आपके माथे में देखना है स्टूडेंट्स कि आप ए देखिए तो ये जो है यहाँ पे देखिए कि इस पॉइंट पे राइट कंटिन्यूअस भी हो रहा है राइट नेबरहुड वैल्यू पे भी चेक कर रहे हैं लेफ्ट नेबरहुड पे भी कर रहे हैं और एफ ऑफ ए पे भी चेक कर रहे हैं। तो क्या रहा स्टूडेंट्स बन के क्लोज आ रहा है यानी लिमिट भी एग्जिस्ट है और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या है वही दे रहा है फेनाइट वैल्यू दे रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स कि फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। आपको एक ग्राफिकल में आपको बना के दिखाना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि देखिए कि ऐसा बना दिया है ना और ए ले लिया कि ये स्टूडेंट्स क्या है जीरो है और एक कॉस एक्स है। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि जीरो पे क्या है तो वन है और राइट नेबरहुड पे आइए जीरो प्लस एच और जीरो माइनस एच सारे पे क्या दे रहा स्टूडेंट्स तो वन दे रहा है क्या दे रहा है वन दे रहा है यानी जीरो पे कॉस एक्स क्या है कंटिन्यूअस है। क्यों क्योंकि जो नेवर लेफ्ट नेबरहुड वैल्यू पे दे रहा है वही राइट नेबरहुड वैल्यू पे दे रहा है और वही वैल्यू ऑफ फंक्शन दे रहा है। तो वैसे कंडीशन में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स कि कंटिन्यूटी एट अ सिंगल पॉइंट सिंगल पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है तो वो सिंगल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है स्टूडेंट्स और कंटिन्यूअस भी हो सकता है। चलो मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट्स ठीक है कि आपको चले मैं एक ग्राफ बना के दिखाऊंगा है ना और कैसा फंक्शन है वो आपको पता लगाना है यानी यहाँ से स्टूडेंट्स चलिए मैं ले लिया दिस वन ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स ए थ्री ले लिया है ना और यहां से देखिए स्टूडेंट्स दिस वन तो देखिए स्टूडेंट्स थ्री के राइट नेबरहुड यानी थ्री प्लस एच और यहां पे स्टूडेंट्स थ्री माइनस एच पे जब दे रहे हैं है ना यहां से देखिए कि ए स्टूडेंट्स थ्री माइनस एच है ना तो थ्री और थ्री प्लस एच यानी यहां से बोल सकते हो ना स्टूडेंट्स कि अपने पास क्या हो रहा है एफ ऑफ थ्री माइनस एच पे कितना तो टू एफ ऑफ थ्री प्लस एच पे कितना तो थ्री और एफ ऑफ थ्री पे कितना थ्री यानी सिंगल पॉइंट्स पे क्या हो रहा है तो एफ ऑफ थ्री माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ थ्री प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ थ्री यानी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ए फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है ना यानी लिखोगे एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री पे और इसी को क्या बोलोगे बेटा कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट साइड है ना। देखिए स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट साइड है ना यानी ये कंटिन्यूअस है राइट साइड से क्या स्टूडेंट्स तो
कंटिन्यूअस है ना। कोई दिक्कत है स्टूडेंट? चलिए बहुत बढ़िया है ना। अब यहां से लिखते हैं स्टूडेंट्स कि कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी। तो देखिए स्टूडेंट्स कि ये ग्राफ बना लेते हैं और लेट कर लेते हैं कि लेट वाई इक्वल टू ए एफ एक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने पास कोई फंक्शन इस तरह से मान लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से आप देखिए कि नॉट दिस है ना, या चलिए और ग्राफ आपको जब समझ में ज्यादा आएगा तो इस तरह से मान लीजिए स्टूडेंट्स, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी। यानी इस सिचुएशन में जब ओपन इंटरवल की बात करता है ना स्टूडेंट्स, तो उसमें जो देखना है कि उसके बिटवीन वैल्यू पे चेक कर रहे हैं, किस पे चेक कर रहे हैं, उसके बिटवीन वैल्यू पे चेक कर रहे हैं। यानी एक हम पढ़ाएंगे इंटरमीडिएट थ्योरम, तो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट या एक्स इक्वल टू सी लेट कर लिया स्टूडेंट है ना। तो ये क्या हो रहा है कि एट एक्स इक्वल टू सी, एट एक्स इक्वल टू सी एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है ना स्टूडेंट्स, है ना, कंटिन्यूअस है, ए और बी के बीच के सारे वैल्यू पे कंटिन्यूअस है। ए और बी पे हम क्या कर रहे हैं, चेक नहीं कर रहे हैं। यानी लिखोगे स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए कॉमा बी व्हेन ए कॉमा बी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अगर ओपन इंटरवल ए कॉमा बी उसके उस फंक्शन के डोमेन का सबसेट है तो वो उसके बिटवीन सारे वैल्यू पे क्या होगा, कंटिन्यूअस हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यूअस हो रहा है, क्लियर है। यानी उसके बीच के सारे वैल्यू पे हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो सिंबल देख लेना स्टूडेंट्स कि अपने पास क्या है कि ये एफ एक्स ए कॉमा बी पे कंटिन्यूअस कब, जब ए कॉमा बी इज डोमेन ऑफ दिस। यानी यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि लेट कर लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू वन वाई एक्स है ना स्टूडेंट्स, वन वाई क्या एक्स इज कंटिन्यूअस है ना, चेक द कंटिन्यूटी, ऐसे लिखिएगा स्टूडेंट, चेक द कंटिन्यूटी है ना ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स है ना, एक्स बिलोंग्स टू टू कॉमा थ्री। तो सबसे पहले आप देखिए स्टूडेंट्स कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या, रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो है ना। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि 2,3 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, देयरफोर है ना, देयरफोर एफ एक्स इक्वल टू वन वाई एक्स इज कंटिन्यूअस एट ओपन इंटरवल 2,3। यानी जब रियल नंबर एक्सेप्ट 2 पे कंटिन्यूटी है, रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो पे कंटिन्यूटी है, तो उसके जितने सारे सबसेट बनेंगे उस सारे सबसेट पे एक फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यूअस है। क्या स्टूडेंट्स, उसके सबसेट के सारे वैल्यू पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है ना। चलिए बहुत बढ़िया, या और देख सकते हैं स्टूडेंट्स अपने पास है ना कि एफ एक्स इक्वल टू चेक करने बोलता है स्टूडेंट कॉस एक्स,
है ना, एट एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 pi, है ना स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ से देखिए कि क्या लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप जीरो तो लेना नहीं है, है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए एक फंक्शन को ग्राफिकल डिफिनेशन भी आप समझने की कोशिश करो कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन विदाउट पिकअप अ पेन। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए हुए ग्राफ बन जाता है तो वो कंटिन्यूअस होता है, या बोलते हो देयर इज नो लीकेज एंड ब्रेक ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन इन द ग्राफ ऑफ फंक्शन दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूटी। तो जीरो से टू के बीच में कहीं ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है, यानी अपने पास बोलोगे स्टूडेंट्स तो ऐसा लिखोगे कि सर एक्स इक्वल टू ए, है ना, एक्स इक्वल टू बी और एक्स इक्वल टू सी पे, इसके जीरो और टू पाई के बीच पे सारे वैल्यू पे क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस है। मैंने एक इंटरवल ले लिया स्टूडेंट्स, तो बोलोगे ना 0, 2 pi सबसेट ऑफ रियल नंबर, देयरफॉर है ना एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल 0 to 2 pi, 0 to 2 pi के बीच में क्या स्टूडेंट्स, तो ये कंटिन्यूअस है। कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे फंक्शन क्लोज इंटरवल पे भी कंटिन्यूअस है, जस्ट हम अभी आएंगे, बट अभी हमने ओपन इंटरवल की बात किया है तो ओपन इंटरवल का हम चर्चा करेंगे, है ना। ओपन इंटरवल पे क्या स्टूडेंट्स, तो एक कंटिन्यूअस है, क्या स्टूडेंट्स, तो एक कंटिन्यूअस है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। और मैं एक दिखाना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इक्वल टू, चलिए ले लीजिए दिस वन, है ना, या मैं ऐसा ले लेता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इंटरवल ऐसा दे देता है स्टूडेंट्स, है ना, ले लीजिए, क्या ले लेते हैं, टू टू टू। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने टू क्यों नहीं डाला, है ना। अब अगर जीरो या इंटरवल, चलो ना भाई हम ऐसे कर दिए 1, 2, है ना, क्या कर दिए स्टूडेंट्स, तो 1, 2 पे कर दिया, है ना। तो यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स कि आप सॉल्यूशन निकालिए और इसका फटाफट सारे खेल स्टूडेंट्स डोमेन का है ना। तो 1 - dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, इसको इधर भेज देते हैं स्टूडेंट्स, या तो आप ऐसे बोल सकते हो, है ना, लेस देन इक्वल टू 1, कब, जब एक्स बिलोंग्स टू क्या स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हो यहाँ से देखे कि इसका डोमेन अपने पास एक कब देगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देख सकते हैं ना कि माइनस इन्फिनिटी से टू तक, है ना। अब यहाँ से ये डोमेन है स्टूडेंट्स, तो देखिए कि बोल सकते हो ना कि 1, 2 इज सबसेट ऑफ दिस माइनस इन्फिनिटी टू 2, यानी स्टूडेंट्स एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल 1 to 2। अरे 1 और 2 पे क्या स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यूअस है, क्या स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। है ना, अब नेक्स्ट में हमारा बढ़ते हैं स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी ऑन इनक्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल ए बी, इसके लिए पहला कंडीशन जो आप देखिएगा स्टूडेंट्स, चलो मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूं, है ना, कि स्टूडेंट्स ले लेते हैं हम, है ना, चलिए
तो देखिए स्टूडेंट्स कि पहला कंडीशन आप चेक कर लेना कि एफएक्स इज कंटिन्यूअस इन एबी व्हेन एबी इज सबसेट ऑफ क्या स्टूडेंट्स डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे क्या करना है स्टूडेंट्स कि ये देखिए राइट कंटिन्यूटी है ए प्लस ए एच है ना, तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स जो ए दे रहा है वही ए प्लस एच दे रहा है और एच टेंस टू क्या स्टूडेंट्स जीरो। तो यहाँ से लिखोगे ना स्टूडेंट्स कि लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए दिस वन इज कंटिन्यूटी है ना, कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट साइड, क्या है स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट साइड है ना, फ्रॉम राइट बोलिए कि कंटिन्यूस किधर से स्टूडेंट्स तो राइट से है। अब इसी की बात यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए कि एकदम क्लोज वैल्यू ले रहे हैं बी माइनस एच है ना, एकदम क्लोज ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एच है ना, यानी तीसरा कंडीशन क्या हो गया स्टूडेंट्स तो लिमिट एक्स टेंड्स टू बी निगेटिव एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बी है ना, तो इस क्या लिखोगे स्टूडेंट कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट, क्या स्टूडेंट्स तो लेफ्ट से कंटिन्यूअस है देयरफोर क्या बोलोगे स्टूडेंट्स एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्या ए टू बी क्लोज इंटरवल ए टू बी पे क्या है कंटिन्यूअस है ए टू बी पे क्या है स्टूडेंट्स तो ये कंटिन्यूअस है, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया है ना। अब जो आगे बढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स कि लिस्ट ऑफ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला आपको जो मैं बताता हूं ए ले लेता हूँ स्टूडेंट्स है ना, यहाँ पे फंक्शन है ठीक है और दिस वन फंक्शन दिस वन डोमेन ऑफ फंक्शन ठीक है स्टूडेंट्स और लिस्ट ऑफ फंक्शन एंड दिस वन डोमेन ऑफ फंक्शन, यहाँ अगेन हमारा स्टूडेंट्स इसमें अगर नहीं होगा तो एफ एक्स है ना और डोमेन ऑफ एफ एक्स डोमेन ऑफ एफ एक्स, तो पहला देखिए स्टूडेंट्स है ना, चलिए यहां पे कंटिन्यूटी लिख देता हूं ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू क्या स्टूडेंट के कॉन्स्टेंट फंक्शन है ना, इसका डोमेन क्या रियल नंबर है ना, तो ये क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स इज कंटिन्यूअस है ना ऑन है ना कंटिन्यूअस इन है ना एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, दुनिया के सारे नंबर पे कांस्टेंट फंक्शन क्या स्टूडेंट्स तो कंटिन्यूअस है। दूसरा स्टूडेंट्स अगर बोलते हो एक्स तो इसका भी डोमेन क्या स्टूडेंट्स तो सेम थिंग्स। अब अगर स्टूडेंट्स अपने पास हम चलते हैं रूट एक्स है ना तो इसका डोमेन स्टूडेंट्स 0 टू इन्फिनिटी है ना, तो इज कंटिन्यूअस है ना इन एक्स बिलोंग्स टू क्या एक्स बिलोंग्स टू आप ऐसे लिख सकते हो स्टूडेंट्स या
क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, रियल पॉजिटिव यूनियन जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपने पास लिस्ट ऑफ फंक्शन सारे का नाम आपको पता है, इसलिए नाम बताने का कष्ट मैं नहीं करूंगा। रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो इज कंटिन्यूअस, है ना इज कंटिन्यूअस इन एक्स बिलोंग्स टू, है ना। रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो यानी रेसिप्रोकल फंक्शन दुनिया के सारे नंबर पे कंटिन्यूअस है, बट क्या है, जीरो पे नहीं है, जीरो पे इनडिफाइंड हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर फंक्शन, तो रियल नंबर इज कंटिन्यूअस, है ना, इन एक्स बिलोंग्स टू आर, ये क्या स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल ले लिया ए एक्स रेस टू एन ए नॉट ए वन एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स रेस टू एन माइनस टू डॉट डॉट ए एन, डोमेन रियल नंबर है ना, तो इज कंटिन्यूअस इन एक्स बिलोंग्स टू आर। आर क्या है, इसका डोमेन है। फिर हमारा यहाँ पे बना देते हैं स्टूडेंट्स एफ एक्स, है ना, और डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट, और कंटिन्यूटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा अब जो आता है कि एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स वाई क्यू, है ना, तो क्या बोलते हो स्टूडेंट, रियल नंबर एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एक्स इक्वल टू ए और जी ऑफ ए इक्वल टू जीरो। इस तरह से बोल दीजिए स्टूडेंट कि जिस वैल्यू पे जी एक्स जीरो के बराबर है उसको निकाल देना है, एक्सेप्ट, है ना। बहुत सारे लोग अलग अलग लैंग्वेज में लिखते हैं नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, तो लैंग्वेज ध्यान देना स्टूडेंट्स कि जिस पॉइंट पे ए क्या है, जी एक्स जीरो होगा उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी अपने पास इज कंटिन्यूअस, है ना, इन रियल नंबर एक्सेप्ट ए कर दिया स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ ए पे ए जीरो हो रहा है ना। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हमारी जो बात चलेगी वो इस तरह से चल रहा है स्टूडेंट्स, है ना, कि ऐसा, तो देखिए इसका डोमेन रियल नंबर होता है बट स्टूडेंट इज कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस इन रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर। ऐसे केस में ध्यान देना स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट इंटीजर, है ना, और इसी को बोल सकते हो स्टूडेंट इज, है ना, कंटिन्यूअस रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर पे क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हमारा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो डोमेन क्या स्टूडेंट्स, रियल नंबर, इज कंटिन्यूअस, है ना, इन रियल नंबर, है ना, इन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्टूडेंट्स, तो सेम थिंग्स, एफ एक्स इक्वल टू स्टूडेंट्स टेन एक्स, डोमेन क्या, रियल नंबर, एक्सेप्ट टू एन प्लस वन इन टू पाई बाई टू, एन बिलोंग्स टू जेड, है ना, इज क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस, है ना, इन रियल नंबर एक्सेप्ट टू एन प्लस वन इन टू पाई बाई टू। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, ये हम लोग चेक कर चुके हैं, डोमेन क्या, रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, है ना, तो इज कंटिन्यूअस, है ना, इन, है ना, इन कंटिन्यूअस इन क्या बोलोगे, रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, और एन बिलोंग्स टू क्या स्टूडेंट्स, तो जेड है। क्लियर है, तो हमारा लिस्ट ऑफ फंक्शन तैयार कर दिया कि कौन फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस है। क्लियर है ना, कौन से फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस है
उसकी लिस्ट हमने बना दिया स्टूडेंट, क्लियर है? और या ज्यादा नहीं, आप एक बार देखोगे आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब स्टूडेंट्स अपना आते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, तो क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रियल नंबर एक्सेप्ट टू, है ना, टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू इज कंटिन्यूअस इन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहां से देखिए कि एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स, तो यहां से स्टूडेंट्स क्या ले लेंगे कि रियल नंबर एक्सेप्ट है ना एन पाई और एन बिलोंग्स टू जेड, एन बिलोंग्स टू जेड इज क्या लिखोगे स्टूडेंट, कंटिन्यूअस इन रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, ठीक है स्टूडेंट्स, इन एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, एन बिलोंग्स टू जेड। अब स्टूडेंट्स हमारा आ जाता है एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स, डोमेन क्या स्टूडेंट्स, तो रियल नंबर एज कंटिन्यूअस इन एक्स बिलोंग्स टू क्या आर, है ना। अब एफ एक्स इक्वल स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स लॉग ई रेज टू एक्स, डोमेन जीरो टू इन्फिनिटी है ना, एज कंटिन्यूअस इन x belongs to 0 to infinity, क्लियर स्टूडेंट्स? यानी इस तरीके से हमने देखा कि लिस्ट ऑफ फंक्शन तैयार कर दिया, कौन से पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये बेसिक हमारा था स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी का, जो खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर, किसको लेकर आते हैं स्टूडेंट, डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर, क्लियर है? वेरी गुड।